दोस्तों आज के समय में सभी अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सेहत को अंदर से तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन उसके क्या क्या बेनिफिट है वो बताऊँगा। और अगर आप इस डाइट को लगातार 1 से 2 महीने तक लेते हो तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं शरीर में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। तो जिस डाइट की मैं बात कर रहा हूँ वह है गुड़ और चना। अगर कोई व्यक्ति भीगे चने का और गुड़ का सेवन लगातार करता है तो उसके शरीर में सभी प्रकार के प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर की कमी को पूरा किया जा सकता है। आप लोगों ने पहलवानों को तो देखा ही होगा, इंडिया में जो पहलवान है वो देसी गुड़ और चने का सेवन ज़्यादातर करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी अंदर से और बाहर से इतनी मजबूत होती है। क्योंकि भीगे चने और गुड़ में वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, और हमारे शरीर में हमारा पाचन तंत्र हमको फिट रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले तो हमको इसको मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मजबूत होगा तभी तो खाना सही से पचेगा और प्रोटीन हमारी बॉडी को लगेगा। अगर पाचन तंत्र मजबूत नहीं है तो आप कितना भी प्रोटीन ले लो, कितना भी अच्छे से अच्छा खाना खा लो, वो आपकी बॉडी को लग ही नहीं सकता। जब तक आपकी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तब तक वो खाना आपके शरीर को कैसे लग सकता है? फिर चाहे आप कितना भी प्रोटीन लेते रहो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें अपना पाचन तंत्र मजबूत बनाना पड़ेगा, और इसको मजबूत करेगा गुड़, क्योंकि गुड़ में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही गुड़ स्वाद का ही नहीं बल्कि सेहत का भी खजाना होता है। ये हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करने में सहायक है। गुड़ आयरन का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो रोजाना गुड़ खाने से तुरंत लाभ मिलेगा। तभी तो इन दोनों को मैं डाइट के रूप में लेने की बात कर रहा हूँ। आपने बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को तो देखा ही होगा, उनकी बॉडी कितनी बड़ी होती है, उनके कितने ज़्यादा मसल्स बन जाते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो वो करता क्या है हमारे शरीर में? ये स्टेरॉइड और केमिकल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी इतनी बड़ी हो जाती है। तो जब हम अपनी बॉडी को नेचुरली इन सब चीज़ों को ना लेकर नेचुरली बढ़ा सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को लेने की? तो जब हम अपनी बॉडी को नेचुरली इन सारी चीज़ों को लेकर बढ़ा सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है बाहर की चीज़ों को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने की? आप यह डाइट लो, वर्कआउट करो और डेली अपनी बॉडी पर काम करो, आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद अपनी बॉडी अपने आप बढ़ने लगेगी। आप जो खाओगे वो आपकी बॉडी को लगेगा, और अगर आपका वेट कम है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।